गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम राहुल सर, योर मैथ टीचर फ्रॉम श्री राम अकेडमी हाई स्कूल सपना। एंड टुडेज टॉपिक प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.2, 3.4 एंड पार्ट 11। अब पार्ट 11 में हमको फाइंड करना है उसका नंबर फिफ्थ। एक्सरसाइज 3.2 में उसका नंबर फिफ्थ। आपके जो रिमेनिंग बच रहे थे फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर, उसको आप सिंप्लीफाई कर लिए होंगे और वो आपके जो रिमेनिंग है वो आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर में सॉल्व करके बताता हूँ तो हमको फिफ्थ नंबर में करना क्या है। विच ऑफ द फाइव नंबर्स आर को प्राइम, मीन्स आपके कौन से नंबर्स को प्राइम नंबर्स है। इसके लिए आपको पहले को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन बननी चाहिए कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर्स, तो को प्राइम नंबर्स की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन राइट की है। को प्राइम नंबर्स क्या होंगे, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर्स आर कॉल्ड क्या होगा, को प्राइम नंबर्स। मीन्स आप को प्राइम नंबर्स हम कैसे पहचान सकते हैं, आप किसी भी नंबर्स का कॉमन फैक्टर फाइंड कीजिए। कॉमन फैक्टर आपने फाइंड किया है एक्सरसाइज 3.2 में आपने कॉमन फाइंड किया है कि कॉमन फैक्टर हमको फाइंड कैसे करना है, फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। 3.1 में भी आपने फैक्टर फाइंड किया है, 3.2 में आपने कॉमन फैक्टर फाइंड किया था, कॉमन मल्टीपल्स फाइंड किया। बट आपको को प्राइम नंबर्स के लिए क्या बनना चाहिए, कॉमन फैक्टर्स आपसे क्लियर होने चाहिए। अब कॉमन देखिए कैसे इसको फाइंड करेंगे, आप कोई भी टू नंबर्स ले लीजिए। हम यहाँ पे टू नंबर्स कौन सा ले लेते हैं एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे हमने ले लिया टू एंड फाइव हमने लिया। ये आप चेक करते हैं ये आपका नंबर्स को प्राइम नंबर्स है कि नहीं है। तो इसके लिए आप पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं। कॉमन फैक्टर के लिए पहले हम क्या फाइंड करेंगे, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ टू इक्वल क्या आ जाएगा, वन एंड टू। अब फैक्टर्स ऑफ फाइव का फाइंड कीजिए तो क्या आएगा, वन एंड फाइव आएगा। इनके बीच में देखिए कॉमन क्या है, हैविंग ओनली वन, मीन्स कॉमन क्या है, ओनली वन कॉमन है, मीन्स आपका ये नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, मीन्स अगर आप नंबर्स का फैक्टर फाइंड कर रहे हैं और उनका कॉमन ओनली क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो वो नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स। अब जैसे आपके बुक्स में जो एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है 18 and 35। फर्स्ट नंबर में आपको बताना है 18 and 35। अब आपको ये नंबर को प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करते हो, ओरल आपको नहीं बताना है, आप ये सॉल्व करके आप बता सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, देन हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 18 and 35, तो फैक्टर्स फाइंड करते हैं 18 को, फैक्टर्स ऑफ 18 का फैक्टर्स क्या हो जाएगा, मीन्स 18 किसके किसके टेबल में आता है ये हमको राइट करना पड़ेगा। 118 जा 9, 9 2 18 एंड 6 3 18, ये क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए 18 के। अब आप फैक्टर्स किसका फाइंड करेंगे, 35 का फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 135 जा 35 मतलब 1 लेवल में आता है एंड 35 लेवल में आ रहा है। नेक्स्ट और किसके लेवल में 35 आता है, 7 5 35 7 5 35, और किसी लेवल में 13 आ रहा है। देखिए मीन्स ये आपके हो गए 15, आप 15 में नहीं आ रहे हैं और किसी लेवल मतलब आपका 35 नहीं आ रहा है। तो देखिए इसमें कौन से नंबर्स आपके कॉमन, कौन से नंबर आ रहे हैं, आपके टीम में जब फाइंड कर रहे हैं तो इसमें कॉमन क्या था, 119। फैक्टर्स क्या थे, 189 2 6 3, और हमने 35 का फाइंड किया तो इसमें क्या है, 135 7 5 आया। तो इसमें बताइए कॉमन क्या है, हमने यहाँ पे सी एफ मतलब कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स 1 है। मतलब अगर जिनके कॉमन फैक्टर्स 1 होते हैं तो वो नंबर्स आपका कौन सा होता है, वो नंबर्स आपका कौन सा हो जाता है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मीन्स अगर जिनके क्या होते हैं, ओनली वन कॉमन होते हैं, वन के अंदर कोई भी कॉमन नहीं होता, मीन्स वो आपके नंबर्स कौन से हो जाते हैं, को प्राइम नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट है आपका 15 and 37 30 and 4 15 17 and 18 81 and 16, ये आपके नंबर्स क्या है, इसमें नंबर दिए हुए हैं। आपको मैं एक अलग से नंबर ले लेता हूँ, मैं एक अलग से नंबर लेके आपको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा अगर मैं आपके बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा तो आप वहाँ पे घर पे प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको अपने से नंबर ले लेता हूँ। ठीक है,
फर्स्ट नंबर इसको भी मैं ले लेता हूँ, बी बी नंबर, बट बी नंबर क्या है ये आपकी बुक में दे दिया हुआ है, मैं अपने से नंबर ले रहा हूँ। से मैंने ले लिया 10 and 15। अब इसको हम चेक करेंगे कि नंबर आपका को प्राइम नंबर्स है कि नहीं। इसके लिए आप पहले क्या करते हैं बताइए, हमको पहले इनका कॉमन फैक्टर्स फाइन करना पड़ता है। तो कॉमन फैक्टर के लिए पहले हम क्या फाइन करेंगे, इनका फैक्टर्स फाइन कर लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 10 का फैक्टर्स फाइन करेंगे तो क्या आएगा, 1 10 10, मतलब फैक्टर्स में क्या होगा, 10 किसके किस टेबल में आ रहा है। तो 1 10 10, 5 2 10। नेक्स्ट 15 का फैक्टर फाइन करते हैं, फैक्टर्स ऑफ 15 का फैक्टर्स फाइन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 15 15, मतलब 1 15 आता है, 15 आ रहा है। 3 5 15 मीन्स कंप्लीट, इसके टेबल में क्या 15 आ रहा है। अब आपको क्या फाइन करना है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर्स देखिए क्या है, 1 है, मैं 1 1 में सेम है कॉमन 1, एंड इसमें देखिए 5 है, और इसमें भी क्या है 5 है, मीन्स इसमें कितने कॉमन हो गए, इसमें कॉमन कितने हो गए बताइए, 2 कॉमन हो गए। इसमें नंबर्स कितने कॉमन हो गए, 2 कॉमन हो गए हैं यहाँ पे, मीन्स 2 कॉमन होंगे तो वो क्या हो जाएगा कॉमन, वो आपके को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। यहाँ पे कितने कॉमन थे, 1 कॉमन थे, इसलिए आपका नंबर्स क्या हो गया, ये को प्राइम नंबर हो गया। बट इसमें कितने कॉमन है, 1 and 2 डिजिट कॉमन है, मीन्स 2 नंबर्स कॉमन है, इसलिए आपको ये क्या हो जाएगा, नॉट को प्राइम, ये आपका क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए हम इसको कॉमन फैक्टर हम फाइंड करके इसको हम क्लियर पता कर सकते हैं कि नंबर्स आपका कॉमन फैक्टर्स कौन सा है और कौन सा नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपकी जो रिमाइंडिंग बच रहे हैं वो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आपके जितने भी आपके रिमाइंडिंग होंगे वो आपके लिए क्या है, होमवर्क रहेंगे। अब रिमाइंडिंग आपको क्या करना है, ये आपको सॉल्व करना है, रिमाइंडिंग होमवर्क है आपके लिए। अब आपके जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे वो आप सॉल्व कीजिए, ABCDEF, ठीक है, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ, कौन सा नंबर है वो, सर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12, मतलब आपको एक ऐसा नंबर है जो 5 से भी डिवाइड होगा एंड 12 से भी डिवाइड होगा, मीन्स आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो 5 से क्या हो, बोथ 5 से भी डिवाइड हो एंड 12 से भी डिवाइड हो। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर्स बी ऑलवेज डिविजिबल बाय, मीन्स आप एक ऐसा नंबर निकालिए जो आप कोई एक नंबर होगा जिसको हम हमेशा 5 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब आपको इजली 5 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स डेसिमल में नहीं आएगा। और एक नंबर ऐसा होगा जो 12 से डिवाइड होगा, वही नंबर होगा जो 5 से डिवाइड होगा एंड नंबर क्या होगा आपका 12 से डिवाइड होगा, जो मतलब नॉर्मली आपको जो डेसिमल में जो आंसर नहीं आएगा। तो जब इस टाइप के आपके नंबर दिए होते हैं, आपको बोथ में से बताना होता है, 3 में से बताना होता है, 3 नंबर्स होते हैं उसमें से आपको कोई एक नंबर बताना होता है, उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, एलसीएम यूज करते हैं। मीन्स हम एलसीएम से क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि कौन सा नंबर है जो दोनों से एक नंबर कैसा है, जो दो नंबर से डिवाइड होगा या फिर 3 नंबर से और नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एलसीएम यूज करेंगे, सॉल्व अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12। तो हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, एलसीएम यूज करेंगे, द एलसीएम ऑफ 5 and 12 इस क्या हो जाएगा, देखिए हम इसका यहाँ पे एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, 5 and 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 5 किसी वैल्यू होगा, 5 किसी वैल्यू होगा, तो 5 into 5 एंड 12 क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडिंग हो जाएगा। तो 12 किसे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 6 12, अगेन आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 and 3, अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 and 1, मीन्स इसका क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या आएगा यहाँ पे, 5 multiply 2 multiply 2 multiply 3 इक्वल क्या आ जाएगा, 10 20 60, मीन्स इसका एलसीएम क्या आएगा, 60, मीन्स 60 क्या है, एक आपका ऐसा नंबर है जो
5 से भी डिवाइड होगा एंड 12 से भी डिवाइड होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको हम चेक भी करके देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको चेक करना है तो हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, किससे देखें चेक करने के लिए, डिवाइड कीजिए 5 को 60 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, 5 वन जब 5 वन जीरो, 5 टू जब 10, मतलब ये नंबर्स क्या हो गया आपका 5 से डिवाइड हो गया। नेक्स्ट नंबर हम किससे डिवाइड कर लेते हैं, इसको 12 से डिवाइड करते हैं। देखिए 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 5 जो क्या होता है 60 होता है। मीन्स आपका नंबर्स क्या हो गया, ये दोनों नंबर्स किससे डिवाइड हो गए, 5 से डिवाइड हो गए एंड आपके सिर्फ 12 से डिवाइड हो गए। यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, हेंस 60 इज डिविजिबल by both 5 and 12, मतलब आपका 60 क्या है 5 से भी डिवाइड होगा एंड का 12 से भी डिवाइड होगा। अब आपको जो एक रिमाइनिंग यहाँ पे होमवर्क कौन सा है, आपको 7 नंबर क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ। सर नंबर 7 ये आपको सॉल्व करना है, सर नंबर 7 ये आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सर नंबर 7 आपको ये सिंप्लीफाई करना है, मीन्स आपको ऐसे ही इसमें भी बताना है कि आपको नंबर्स बताना है कौन से नंबर्स से डिवाइड होंगे। ओके थैंक यू स्टूडेंट।